बीपीएससी में जिस प्रकार से पेपर लीक हुई है, अभी जिस प्रकार से इस एग्जामिनेशन को रद्द करने की जो बातें हुई है, आरा में ही ये वीर कुंवर सिंह कॉलेज की ये घटना है जहां से पेपर लीक की सबसे पहले खबर आई, उसके बाद फिर जिस प्रकार से वहां के प्रिंसिपल को जो फंसाने और प्रिंसिपल को कह सकते हैं कि कार्रवाई करने की बातें हो रही है और भी वहाँ के लोगों को, तो इससे अधिकारी और पदाधिकारी जो बीपीएससी के हैं वो बचते हुए नज़र आने की जो बातें आ रही है। कई लोग कह रहे हैं कि ये फंसाया जा रहा है और कई अधिकारियों का यह कहना है कि यह उन्हीं के द्वारा वहीं पर कह सकते हैं कि कॉलेज प्रशासन के द्वारा ही, कॉलेज के लोगों ने ही घोलमोल किया है। इसको कैसे देखते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता के नाते? देखिए, आपने बिल्कुल सटीक बात कहा है कि आला अधिकारियों को बचाने की चेष्टा की जा रही है और उस कॉलेज के प्राचार्य को फंसाने की कोशिश की जा रही है। पहले तो ये जानकारी के रूप में आपको दे दूं कि 5 साल पहले ही उस कॉलेज को किसी भी एग्ज़ाम के सेंटर के लिए उपयुक्त नहीं घोषित किया गया था, मतलब उसको कि आयोग घोषित कर दिया गया था, और 2 साल पहले उसका एफिलिएशन भी रद्द कर दिया गया था। फिर भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने वहाँ पे सेंटर रखा। तो गलती प्राचार्य की बाद में हो सकती है, पहले आयोग की गलती थी, ये बात है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे हो सकता है कि एक सेंटर पे विद्यार्थियों के सक्रिय होने के कारण ये बात उजागर हुआ कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से जदयू के आला नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, जो आला अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, तो एक ही सेंटर नहीं, ऐसे प्रदेश में ऐसे बहुत से सेंटर होंगे जहां पे ये कदाचार चल रहा होगा। और ये एक छोटे प्राचार्य का काम नहीं है, ये आम जन का काम नहीं है। यहाँ पे जो नीतीश कुमार के जो भी ब्लू आइड बॉय हैं, आला अधिकारी हैं, और जो नेता रूपी ठेकेदार हैं, वो सब लोग संलिप्त हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं पूरे आयोग को भंग कर दिया जाए, क्यों नहीं जितने भी बीपीएससी को जी जितने भी मेंबर हैं। कई छात्र रेट बता रहे थे कि दरोगा का इतना लगता है, डीएसपी का इतना लगता है, बीडीओ का इतना लगता है, इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं? रविकांत जी, परेशानी ये है ना कि आप पूरी बात सुनते नहीं। रेट पर मैं आऊँगा, तो क्यों नहीं बिहार सब पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों को सब पे पुलिस केस दर्ज किया जाए? और जो आपने जो रेट की बात कही है वो सर्वविदित है। लोग कहते हैं कि बीपीएससी में जो डीएसपी रैंक है उनका रेट 85 लाख चल रहा है। 85 लाख हम 50 लाख। आप जाइए, आपके पास कोई बढ़िया कोई कांटेक्ट होगा? नहीं, कांटेक्ट नहीं, स्टूडेंट ही बता रहे जी। और सुनने का तो ये है कि 85 लाख या 50 लाख जैसा भी आप कह रहे हैं, वहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब बताइए कि बिहार का सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक परीक्षा का ये हाल है, तो नीतीश कुमार जी को रात के 8 बजे मालूम चलता है अभी मीडिया के माध्यम से। और मैं आपकी तारीफ भी करना चाहता हूँ कि आप जैसे जो बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो ऐसे ऐसे मुद्दों को लेके आते हैं ताकि जनता के पास ये बात पहुंचे। तो नीतीश कुमार को अगर इतनी देर से उनको ये खबर मिलती है, तो इसका मतलब कि वो उनका गृह विभाग उनके पास ही है, तो या तो उनका जो इंटेलिजेंस विभाग है या पुलिस है उनको गलत खबर दे रही है। तो भाई, अगर मुखिया होने के बाद आपको अपने अफसरों पे अगर कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपको तो राजनीति में और सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जिसको कि हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं, खास करके मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी कहते हैं। ये हर किसी को मालूम है कि रेट कितना है। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लें, स्टेट का एग्ज़ाम ले लें या दरोगा का एग्ज़ाम ले लें, अभी बीपीएससी की बात कर लें, बिहार में ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जो कि कदाचार कभी मुक्त हुआ है। और इससे बिहार और बिहारी इतने शर्मसार हैं और अभ्यर्थियों का दर्द हृदय विदारक है। जो बच्चा 3 साल 4 साल मेहनत करता है, जो अपने माँ का गहना बेच के, जो बाप की जमीन बेच के आता है यहाँ पढ़ने के लिए, 10x10 के कमरे में रहता है, अपना खाना बनाता है, उसके साथ आप ये घटना का अंजाम देते हैं, उसके सपने को तोड़ते हैं, आप सोचिए कि उस वेदना का आप क्या करिएगा। आपने पीटी तो आपने कैंसिल कर दिया कुछ दिन के बाद, लेकिन कभी आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया है नीतीश कुमार जी? आपको मालूम है कि वो तनाव कैसे क्षण होते हैं? सुनने में उस दिन आया कि ये गांधी सेतु पुल जाम था, वहाँ से बच्चे पैदल आए और सेंटर पहुँचे। महत्वपूर्ण बात है, छात्र यह कह रहे थे कि 1000-2000 जो हमारा जो खर्च हुआ ये कौन देगा? बहुत ही मेहनत से ये आता है, बहुत तैयारी करते हैं हम लोग, गांव गरीब के लोग से आए हुए यहाँ पर लोग रहते हैं, काफ़ी साधारण घर से रहते हैं, गरीब मतलब कि कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति इतनी नहीं रहती है कि होटल ले सके, प्लेटफॉर्म पे सोते हैं तब जाके एग्जाम देते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। भाई, बिहार में अभी भी 90% जो लोग हैं ना,
वो गांव में ही रहते हैं। अर्बन जो शहरी क्षेत्र में मात्र 10% लोग हैं लोग, तो जो ये बच्चे जिनके पास धन नहीं है, जो संपन्न नहीं है, वो बेचारे अपने मेहनत के बल पे अपने परिवार और अपना जीवन संवारना चाहते हैं। तो आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया नीतीश जी, इन लोगों तक पहुंचना नहीं चाहते हैं, इन लोगों की बातें सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, या पूरी तरह से इसे ही चल छोड़ दिया राम भरोसे? आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार जी जो तख्त नशी हैं अपने आप को खुदा से कम नहीं समझते हैं? अपने आप को समझते हैं कि बॉस हम यहाँ के आका हैं और बाकी हम लोग प्रजा हैं। लोग बताइए, जो बच्चे 1,000-2,000 रुपया हो सकता है कि उन्होंने अपना पेट काटा होगा, उन्होंने हो सकता है कि कहीं पे और किसी चीज़ में कटौती करके वो पैसा लेके आए होंगे। क्या बीपीएससी को नीतीश कुमार ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में जब एग्ज़ाम होगा तो उनका भाड़ा, उनके रहने, उनके खाने का जो भी कीमत होगा वो सरकार बेयर करेगी, वो बीपीएससी बेयर करेगा? ये कह सकते हैं? नहीं करेंगे। अभी पहले स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि जो हमारा ये इसमें जो एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है, इस पर जो खर्च आया है इसको लेकर भी स्टूडेंट कह रहे हैं, तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से, आपके तरफ से कोई ऐसा मतलब कि ये मांग करते हैं कि इन लोगों की मुआवजा कुछ दिया जाए? जी देखिए, हमारी मांग तो ऐसे बहुत है, के नेता तो किए थे, मांग तो बहुत है रविकांत जी, लेकिन परेशानी ये है कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति से अपेक्षा तो हमारी बहुत थी, इसके लिए लोगों ने उनको वोट दिया। हालांकि तीसरे नंबर की पार्टी है फिर भी सरकार में है। तो पहला तो मांग ये है कि जो भी आयोग के मेंबर हैं सब पे पुलिस केस हो, ठीक है, और इसके बाद न्यायिक जांच हो। सीबीआई को बुलाते हैं तो उनको बुलाइए, लेकिन पटना हाई कोर्ट के किसी माननीय जज के देखरेख में, निर्देश में ये जांच हो, और कम से कम 15-20 दिन के अंदर में इसकी जो भी हो जांच का, जो भी निकल के आए निष्कर्ष, वो सब जनता के सामने जाहिर हो, और जो भी लोग दोषी पाए जाएं उनको बस केवल मेमोज देके छोड़ने वाली बात नहीं होगी, उन पे कठिन से और कठोर से कठोर सजा हो। अभी जो एक बात आ रही, कॉलेज वाला तो आ ही रहा है कि, पर ऐसा लगता है कि उनके जो सचिव जी से बात हो रही थी, हम लोग भी गए थे, बहुत ही मतलब कि कोई लोग बाइट देना नहीं चाह रहे थे, कोई लोग बात ही नहीं, मतलब इस पर बात ही नहीं करना चाह रहे थे, तो एक सचिव जी जीतू जी थे तो वो बता रहे थे, तो उनका कहना था कि इधर से कोई गलती नहीं हुआ, हम लोगों ने पूरी चीज़ें ओके करके सील बंद करके जो प्रक्रिया था करके दे दी हैं, सेंटर पर ये काम किया गया है। तो क्या वो सेंटर ऐसे भी पहले भी आप भी बताए ब्लैक लिस्टेड है, और हम सभी को पता है कि खुलेआम वहाँ पर ग्रेजुएशन या अथि का तो एग्ज़ाम होता था, वीडियो वायरल होता था, पूरा एकदम लीक के छापता था, मगर ये बीपीएससी का एग्ज़ाम था, तो क्या ऐसे प्राचार्यों के ऊपर भी कुछ किया जाना चाहिए या बचना चाहती है सरकार केवल प्रचार का नाम, कॉलेज और कॉलेज को लोगों को कार्रवाई की बातें करके? विकांत जी, सरकार ना बड़ा सुनियोजित तरीका से काम कर रही है, अपना सारी गलती का ठिकरा उन प्रचार महोदय पर फोड़ा जा रहा है। ठीक है, आपने कहा कि हमारी तरफ से गलती नहीं हुई है, पर आपकी मॉनिटरिंग कमेटी क्या करती है? आप तो इंश्योर करेंगे ना बॉस कि पेपर पहुंचा और सब बच्चों को समय से मिला, या आपका कोई पुलिस वाला नहीं था वहाँ पे? बच्चे कह रहे हैं कि पुलिस वाले के उनके रहने के बावजूद भी जो 2 कमरों में बच्चों को बैठा कर दिया गया एग्ज़ाम वो दिलवाया गया है। तो प्रचार महोदय की बात की तो बात की बात आती है, लेकिन जो ये लोग बीपीएससी के जो मेंबर हैं उनका क्या, उन पर क्या सजा नहीं? एक बात और आती है, क्या बीपीएससी के जो हेड हैं आर के महाजन और जो ये और भी जो उनके टीम में मेंबर रहते हैं, तो उन लोग क्या उन लोगों के द्वारा क्या ऊपर तक भी पैसा जाता है? ये सर्वविदित है, मैंने कहा कि इतना प्रतिष्ठित एग्जाम का पेपर किसी आम जन और एक कॉलेज के प्राचार्य के बस की बात नहीं है, संलिप्तता ऊपर से लेकर नीचे तक है, और जब तक कि ऊपर के शीर्ष के नेता जो कि नीतीश कुमार जी के चट्टे बट्टे हैं, जब तक उनकी संलिप्तता नहीं होगी तब तक ये कार्य नहीं हो सकता है। और ये बात हम ही नहीं, आप ही नहीं, हर कोई बिहार में जानता है। नीतीश कुमार क्यों इस चीज़ से बचना चाहते हैं, क्यों सारा ठिकरा उस प्रचार पर फोड़ना चाहते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, बहुत लोग यहाँ पकड़े जाएंगे यहाँ पर। इसलिए मैंने कहा कि बिहार पुलिस छोड़ दीजिए, हमें न्यायिक जांच चाहिए, सीबीआई करे, लेकिन किसी जज के देखरेख में करे। सीबीआई पर भी भरोसा नहीं हाल के सरकार हस्तक्षेप नहीं, मैंने कहा कि सीबीआई सर्वोच्च एजेंसी है, जांच एजेंसी है, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के जज के दिशा निर्देश में हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि जल्दी से ये जाँच आएगी और निष्पक्ष रिपोर्ट आएगा। बात कर रहे थे हम प्रोफेसर विनीत से, अभी कुछ और सवाल है, मैं पॉलिटिकल अभी नहीं पूछना चाहूँगा, मगर एक प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई है
क्या प्रशांत किशोर को लेकर आपकी पार्टी में क्या राय है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो कैसा आप लोगों को क्या लगा? बिहार जो है वो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ पे जेपी भी हुए, यहाँ पे महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन भी किया, तो बिहार में लोग जो हैं प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं, और ये धरती बहुत रिसेप्टिव है, बहुत सकारात्मक दृष्टि से कोई भी आता है उसको एक्सेप्ट कर, आपको घुमाइए नहीं, प्रशांत किशोर पर क्या है ये? मैं आ रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लेती है ना। प्रशांत किशोर अब तक रणनीति में आए हैं, अब उनको राजनीति करना है। बिहार में थोड़ा सा यहाँ पे जो वोटर्स का जो डायनेमिक्स है थोड़ा सा दूसरे राज्यों से बदला हुआ है, विशेष करके जाति लाइंस पे जो वोट पड़ते हैं यहाँ पे। प्रशांत किशोर जिस जाति से आते हैं, मुझे है लगता है कि क्या सभी जाति में वो मान्य होंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में एक ही नेता सर्वमान्य है, वो है चिराग पासवान जी। ये तो आप पार्टी के हिसाब से चापलूसी कह सकते हैं, तारीफ बढ़ाई कर सकते हैं। तो सुनिए, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं, लेकिन उसके पीछे मेरा तर्क है कि जिस हिसाब से लोगों ने राजद को अजमा लिया, लोगों ने एनडीए को अजमा लिया, तो सबसे बेहतर विकल्प जो है अभी, और ये चीज़ परिचय द्योतक भी है, दिखाती भी है, जब लोग आशीर्वाद यात्रा में या जो हमारा बिहार बचाव मार्च हो या चिराग पासवान जी कहीं भी जाते हैं, तो उनके सभाओं में जो भीड़ उमड़ती है वो परिचायक है कि चिराग पासवान जी की लोकप्रियता कितनी है। पीके भी यात्रा करने वाले हैं। सुन लीजिए, पीके 2 अक्टूबर से करेंगे, और बढ़िया है अगर वो करते हैं तो हम बिहारी के लिए और बिहारियों के लिए। साहब का तारीफ कर रहे हैं, नीतीश जी को कह रहे हैं कि मेरे राजनीतिक पिता हैं, फिर कह रहे हैं लालू जी को भी पूरा एकदम। हमने क्या कहा है कि उन्होंने अपने सारे जो बांध हैं ना खुले छोड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि सुनिए पूरी बात। चिराग जी और पीके साथ आएंगे, ये रविकांत जी परेशानी आपके साथ यही है, परेशानी आपके साथ यही है, आप बीच में बोल देते हैं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप युवा हैं, आप युवा हैं मुझे मालूम है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए, प्रशांत किशोर जी के हो सकते हैं रिश्ते चिराग पासवान जी से व्यक्तिगत रूप से हों, लेकिन अगर प्रशांत किशोर ये बात माने कि चिराग पासवान जी में ही बिहार का भविष्य बसता है, नेता मान लें जी, तो हम कहते हैं क्योंकि आप चिराग जी उनको नेता नहीं मान सकते। भाई आप अभी आए हैं, और जो व्यक्ति 10 साल से बिहार और बिहारियों को अपने हृदय में लेके चल रहा है जी, वो भी 10 साल से 14 लोकसभा 15 विधानसभा, सुन लीजिए, वो रणनीति बनाते थे सर, दूसरे के कंधे पे बंदूक छोड़ना आसान होता है, अब आपको राजनीति करनी है, तो राजनीति करने में समझ में आता है जबकि आपको अपने से बंदूक छोड़ना है। तो चिराग पासवान जी अभी उनका कद प्रशांत किशोर जी का ठीक है, अभी वो कर रहे हैं, और मैं कहता हूं कि वो अच्छा होगा बिहार के लिए कि हमारे पास एक और विकल्प होगा, जो उन्होंने वादा किया है कि वो बिहार में चाहते हैं एक साफ सुथरी सरकार बने, करप्शन फ्री बने, अगर ये सोच के आए हैं। लेकिन मैं एक वार्निंग दे दूँ कि मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी का कुछ और दिमाग में चल रहा है, और कुछ समय के बाद देखिए और नीतीश कुमार जी के साथ फिर से जुड़ जाएंगे। जदयू के अध्यक्ष के तौर पे भी नाम आ रहा है, हो सकता है। अभी अभी आखिरी सवाल कि नीतीश जी तक ये जो बीपीएससी वाला में आप बोल रहे हैं 85 लाख का स्टूडेंट बोल रहा है कि 50 लाख, तो नीतीश जी तक कितना पहुंचता होगा ये कोई आंकड़ा होगा ना, कि ऐसी तथ्यात्मक आरोप पर भी तो हो जाता है ना। पहले ही मैंने कहा है कि ये सुनने में बात आई है, ये सर्वविदित है इन सब चीज़ों का। प्रोफेसर साहब आप शब्दों का बहुत अच्छा से जैसा स्टूडेंट को करते हैं ना, उसे दर्शक सब भी। रविकांत जी आसपास के नीतीश जी तक कितना जाता है? ये जब तक कोई भी आंकड़ा अकाउंटिंग के नहीं अंदर आएगा तब तक आप कैसे कह सकते हैं? अकाउंटिंग गिनने वाला बैठेगा। हाँ, गिनने वाला फिर रेट जी, सुनिए, गिनने वाला बैठे, कितना खर्च होता है, कितना इनकम होता है, ये सब तो काला धन है ना, बक्से में बंद करके पेटीएम करते क्या होंगे काला धन? उनको तो अपने आलीशान नहीं, नीतीश जी का आलीशान बंगला तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता के टैक्स पेयर्स के मनी पे वो उस बंगले में रहते हैं। बंगला तो आपके नेता को भी मिला है। नहीं, हम कह रहे हैं तो ये किसी का नहीं है ये, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि नीतीश जी के पास कितना पहुँचा, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्ञात नहीं है, लेकिन जो सुनने में आया है, क्योंकि पहुँचता है। सुन लीजिए, अगर मुखिया, वो कहते हैं ना कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, अगर मुखिया ईमानदार हो तो मजाल नहीं है कि आपके जो मातहत हैं वो करप्शन कर दें या गद्दारी कर दें, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर से आपने ढील दे रखा है, व्यवस्था लचर है, इसलिए आपके जो नीचे जो मातहत है, जो आपके अंतर्गत लोग काम करते हैं, वो ये गलत काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी नहीं है नीतीश कुमार, आपके कहने का मतलब? अरे
जब कप्तान जब जीतता है तो ताली आप ही को मिलेगी। सुबह कितना लेते हैं बीपीएससी में, ही ना महत्वपूर्ण है। देखिए कितना जाता है, पत्रकार महोदय आप लोग खोज करते हैं, मुझे लगता है कि आप इस फिगर के बारे में ज्यादा बेहतर जानते होंगे, तो आप एक वीडियो बनाएं जिसमें ये बताएं कि कहां कहां तक पहुंचता है, कितना पैसा जाता है, आप बताइए। चलिए ये भी हम ही पे सवाल दे दिए, और भी तमाम बातें हम करते रहेंगे और उठाते रहेंगे। अभी फिलहाल बीपीएससी को लेकर मामला था, जहां पर स्टूडेंटों ने कई बातें और मांगें उठाई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मांग की है, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, तमाम लोगों तक ये बातें पहुँच रही है। स्टूडेंट धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी करेंगे, ये तमाम बातें वह बताते रहते हैं, और लगातार हम बीपीएससी के छात्रों के लिए अपडेट हम लाते रहेंगे। और भी ये तो एग्ज़ाम रद्द ही हो गया, अब नया एग्जामिनेशन होगा, तो फिर से क्या कहा जाए, आप लोग सेटिंग नेता उता का खूब रहता है। सर हम लोग तो कम एक ऐसी पार्टी से हैं जिसने संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया है, जो सत्ता में बैठे हैं, जो सत्ता में काबिज हैं, उनके पास तंत्र है, वो खूब सत्ता में रह लिए हैं। तो पहले आपकी पार्टी के लोग खूब सत्ता में, तो हम लोग सत्ता में थे तो क्या ऐसे चीज़ होती थी, ऐसे घपले और ऐसे घोटाले होते थे। और आने दीजिए रविकांत जी, 2 साल के बाद 3 साल के बाद जब लोजपा सरकार में होगी तब आप देखेंगे कि आदर्श बिहार कैसे बनता है, और हम लोग बनाएंगे, हमारे नेता बनाएंगे। कब ख्याली पुलाव सपना जनता भी सुनेगा तभी सब। कोई बात नहीं, सपना देखने में कोई गुरेज नहीं है, हम सपना देख रहे हैं और साथ में धीरे धीरे उसका नीचे आधारशिला रख रहे हैं, तो सपने को हम हकीकत में जरूर बदलेंगे, और आप भी देखिएगा। इस तरह से कॉन्फिडेंस था प्रोफेसर विनीत जी का, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता हैं, प्रशांत किशोर हों या फिर बीपीएससी के मामले पर काफ़ी अच्छे और बेबाकी ढंग से अपनी बात रखने का प्रयास किया, मगर शब्दों का जाल पूरा कह सकते हैं प्रोफेसर साहब में एक कला है, सरस्वती माता का पूरा एकदम कह सकते हैं कि जिब्बा पर एकदम विराजमान रहते हैं, तमाम सवालों का जवाब बड़े ही बेहतर ढंग से देते हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत कश्यप, धन्यवाद।